दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों। अब यहाँ पे गिवन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर टू ईयर इज दिस एंड सिंपल इंटरेस्ट इज दिस, और सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है लाइक 24। देखिएगा बच्चों, पी 2 सालों में कैसे वर्क करता है, ये 1 ये 2। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 60 गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट जो गिवन है वो 60 गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो गिवन है वो 60.60 कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। तो ठीक है बच्चों, ये 30 रहा होगा, ये 30 रहा होगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज सेम फॉर अ ईयर। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है बच्चों मेरे पास क्या आया होगा, यहाँ पे 30 आया होगा और यहाँ पे क्या हुआ होगा, 0.60 बना होगा, सो दैट ये 30.60 बन पाए और मेरा टोटल ये बन पाए। ठीक है, अब ये कहाँ से आया होगा, ये एक्स्ट्रा जो बना है यहाँ पे, इसके ऊपर 30 के ऊपर आर परसेंट से रेट लगी होगी और 0.6 बना होगा। ठीक है जी, तो 30 मल्टीप्लाई आर परसेंट इट शुड बी इक्वल टू 0.60, तो आर इक्वल टू होगा 0.60 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई में 100। तो मैं ये पॉइंट हटा लेता हूँ, डिवाइड बाई 100 करके ये कैंसिल आउट, ये 2 पे कैंसिल आउट, तो 2% जो है मेरा आंसर आ गया। अब ये मेरे पास ऑप्शंस बन सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा यहाँ पे आर परसेंट पी के ऊपर लगा होगा और यहाँ पे बना क्या है 30, दैट मीन्स कि आप लोग कह सकते हो पी मल्टीप्लाई 2% रेट इक्वल टू 30 के इक्वल होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये 15 पे कैंसिल आउट, तो पी इक्वल टू मेरा आ जाएगा 1500 रुपीस। तो 1500 मैं देख लेता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर 4th बनता है और 4th ही मेरा आंसर रहने वाला है।